कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन हम क्या करें, सोचें, थिंक, क्या हमारे अस्तित्व का यही आधार है, क्या हम इस जमीन पर इसीलिए आए हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, या मेरे जैसे जो लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि आप क्यों करते हैं। मैं अभी विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था, उसमें गया था, बोले आप छोड़ के आ गए विदेश और यहाँ कर रहे हैं, और मैं नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और हमारे बीच में सेना के अधिकारी हैं, कर्नल विनीता नायक, वो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके नीचे बहुत बड़ा उनका दायित्व रहता है, उनको संभालती है अपने बच्चों की तरह। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मुझसे पूछा कि आप भारत क्यों आ गए वापस, मैंने बोला कि मेरा अनुभव है, मैं अपने अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बारे में इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप वास्तव में भारत का इतिहास पढ़ें तो बहुत लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला है महान लोगों की, और महान केवल काम की नहीं, महानतम भी काम की नहीं है, उनके बलिदान की। मैं हमेशा ये जब युवकों के बीच में होता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगत सिंह जब फांसी चढ़ रहे थे तो हंस रहे थे तीनों, ये और डॉक्यूमेंटेड है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब फांसी चढ़ रहे थे, कितनी उम्र थी हमारी, मात्र 22 से 23 साल की उम्र थी। तो जो अंग्रेज जेलर थे जिनको अच्छा लग रहा था कि चलो ये तीनों मरने वाले, अच्छा है, क्यों खुश हो रहे थे वो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस समय सोच ये था कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है गांधी जी से ज्यादा हो रही, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और कई मायनों में वो साम्यवादी थे, सोशलिस्ट थे। तो मेरे जैसा व्यक्ति उनकी बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सत्य है, उन्होंने बोला। और मेरी जो नानी जी है, उनकी जो माता जी है, उन्होंने उस जेल को घेर रखा था, लोग इकट्ठे हो गए थे तीनों को जब समय से पहले फांसी हो रही थी। तो उन्होंने बोला भाई हम खुश हो रहे हैं कि ये मर रहे हैं तीनों, तो ये इनको क्यों खुशी हो रही है। उन्होंने जाके पूछा, उन्होंने बोला कि भाई हम तो खुश इसीलिए हो रहे हैं कि तुम मूर्ख हो जो ये सोच रहे हो कि हमको फांसी पे चला रहे हो, अभी और भी आएंगे। नहीं, तो ये इसको आप उत्तरदायित्व बोल लीजिए या धरोहर बोल लीजिए, ये अपनी बहुत बड़ी धरोहर है। मैंने बताया कुछ राष्ट्रों की तो जो उम्र है, जो आयु है, वो कुछ 100 साल के अंदर सिमट के रह जाती है, हमारी हजारों साल पीछे जाती है। बहुत बड़ी, बहुत बलिदान दिया गया। एक झूठ दुनिया में बोला जाता है कि अलेक्जेंडर महान भारत में जीत गया था, झूठ बोला जाता है। जो विजेता होता वो तो विश्व विजय से निकला था, कामना से निकला था, तो रुक क्यों गया, यहाँ पे आगे जाना था, मलेशिया जाना था, जापान जाना था, सुमात्रा जाना था, यहाँ क्यों रुक गया अगर भारत पे जीत गया था तो। क्यों 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 रुक गया, क्योंकि वो हार गया था यहाँ। किस कीमत पे हारा, महान बलिदान, राजाओं ने संघर्ष किया यहाँ पे, और वो चाणक्य के समय से शुरू हो गया था संघर्ष। चाणक्य क्या ईसा के पहले जाता है, शायद 200 या 300 AD तक जाता है। तो संघर्ष कब से चला आ रहा है, तो अपने क्या सोचना है, हमको क्या नया सोचना है। सारी जो थ्योरीज है, इसको थोड़ा गंभीर विषय ध्यान से सुनिएगा, आप जितनी थ्योरी पढ़ते हैं वेस्ट को ये लगता है कि हम बनाएंगे और पूरी दुनिया फॉलो करेगी, इनको तो हमको समझाना है कि कैसे करना है। क्या हम इसलिए पैदा हुए, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की किसी ने पढ़ी है, मैस्लोज हायरार्की किसी को पता, हाथ खड़ा करके जिनको पता हो, कम लोगों को पता है, अच्छा है, नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है, बकवास है। इस तरह की चीजें ये पढ़ाई जाती है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है जानबूझकर। आपको पता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, कितनी होगी लगभग, 7.5 करोड़ के आसपास है ना। इंग्लैंड की भी जनसंख्या इतनी है, अगर 200 साल में 750 करोड़ साफ हो जाए, 200 साल के अंतराल में 7.5 करोड़ लोग मर जाए, ये अपनी जानकारी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों के 200 साल के शासन में 15 फैमिन हुए, अकाल पड़े, और प्राकृतिक नहीं थे वो, उसकी संख्या कितनी है आपको पता है, कुल मिला के 15 में 725 करोड़ लोग मर गए।
अपने को पता नहीं है, बताइए किसी को पता है क्या? एक किताब पढ़िएगा, लिख लीजिए चाहे तो, चर्चिल्स सीक्रेट वॉर, चर्चिल्स सीक्रेट वॉर। उसमें एक भारत के लेखिका है, घोष शायद नाम है उनका, उन्होंने बहुत विस्तार से बनाया चर्चिल सीक्रेट वॉर। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, उसका समय ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है विदेश में रहा हूं तो बिस्लेरी का ही पीता हूं, मुझे बोलते टाइम पानी पीते रहना पड़ता है, गांव में मैं लोटे से ही पीता हूं। राग देश करके एक फिल्म आई थी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, राग देश, राग देश, देश राग, राग देश। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और नेताजी सुभाष बोस इंडियन नेशनल आर्मी लेके अंग्रेजों से लड़ रहे थे जापान की मदद से। बंगाल में बहुत बड़ा भूकंप था, सॉरी भूकंप नहीं, सूखा जैसी स्थिति होने लगी, 2.5 लाख लोग मर गए। और वो कैसे मरे? अनाज था तो भी, वो अनाज जो सैनिक विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ रहे थे उनको भेज दिया जाए। ये रुक के सोचने वाला विषय है कि नहीं, आप बताएंगे? आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चर्चिल जैसे घृणित कार्य, विंस्टन चर्चिल जो हीरो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, हम भी मानते हैं, कई हमारे नेता उसका नाम लेते हैं विंस्टन चर्चिल। डैन ब्राउन की किताब है अभी ओरिजिन करके आई है, उसका जो नायक है, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, उसका नाम विंस्टन है चर्चिल को, और उस किताब में भी अभी बेस्ट सेलर है, वो घूम रही किताब। अमेरिका में इलेक्शन होता है तो चर्चिल मेमोरियल पे लोग जाते हैं कि चर्चिल ने इस विषय में क्या कहा था, उस विषय में क्या कहा था, ये सब हमको पता क्यों नहीं है? आज पूछिए, आप जाके गूगल पे देखिए, आप जिसको भी बुद्धिमान मानते उस व्यक्ति से जाके पूछिए कि 15 जो पेमेंट हुए थे इसमें 7 करोड़ या चलो 6 करोड़ लोग मरे हैं कि नहीं मरे। कुछ लोग शायद अभी से गूगल देख रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा। तो ये बहुत सारे विषय हैं, ये दुनिया कहाँ जाएगी? क्या हम ये 9 to 5 यूपीएससी पीएससी यही करते रहेंगे? भारत काल का जो चरम समय था उस पर क्या लोग यही करते थे? मैं केवल आपको क्या कर रहा हूं, मैं फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए सामग्री देने का प्रयास कर रहा हूं। और ये जो यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि उस पर मैं विषय रखूं या हमारे आचार्यगण रखें, उस विषय पर, केवल उस विषय पर संगोष्ठी या वैचारिक आदान प्रदान ना हो। केवल ऐसा नहीं, आप अपने विषय रख सकते हैं वहां पर, आप बोल सकते हैं वहां पर, आप लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, सोचते हैं लेकिन लगता है कि मैं बोल सकता हूं, तो आप आइए। भारत के साथ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, हर 100 साल में भारत में एक नई घटना घटती है। 1754 के आसपास जाइए, किसी को आइडिया 1754 में क्या हुआ, क्या घटना घटी थी? या 56 हो सकता है या 54 हो सकता है, लेकिन 1750 के आसपास के समय की बात कर रहे हैं। नहीं, पानीपत नहीं है, लेकिन एक लड़ाई है अभी क्लासिक। हाँ, तो आपने इतना बता दिया, बताइए क्या विशेषता थी उसकी? बैटल ऑफ क्लासी हुआ था, क्या विशेषता थी उसकी? हाँ, और आपका दोष नहीं है, सब सही है, टेक्निकली सब सही है। जिस तरह से हमारे देश में खास करके इतिहास पढ़ाया जाता है और वो बच्चों को पसंद नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, वो इसलिए कि हमारा सारा जोर किस पर रहता है? तिथि पर रहता है। और किसने किसको हराया इस पर रहता है, इसमें कौन जीता था? मीर जाफर जीता था कि कौन जीता था? ठीक है, मीर जाफर जीता था, मान लीजिए,
मीर जाफर क्यों जीता था, इस पे कभी विचार किया है, थिंक, कभी रुक के सोचा है? नहीं, क्योंकि सारा जोर किस पे है, पीएससी यूपीएससी फाइंडिंग अ जॉब। आपकी गलती नहीं बता रहा हूं मैं, ये ढांचा ऐसा बना हुआ है, मैं भी उसी ढांचे से निकला हूं। दिस सिविलाइजेशन दैट वी लिव इन इज अ मैट्रिक्स, ये एक जाले की तरह है, विच फोर्सेज यू टू बिहेव एंड एक्ट इन अ सर्टेन वे, जो आपको मजबूर करता है कि आप एक विशेष प्रकार से सोचें। देखिए आपको क्या क्या याद है, मैं बताऊं उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी। वो मुख्यतः ना सिराजुद्दौला या जो भी आपने मीर जाफर जो नाम लिया है उनके बीच तो था, लेकिन वो अंग्रेज और फ्रेंच ताकतों के बीच में भी था। अगर वो युद्ध अंग्रेज नहीं जीतते और फ्रेंच जीतते तो मैं लंदन की जगह पेरिस जाता पढ़ने के लिए, और फ्रेंच लोग राज कर रहे होते, और आज हम अंग्रेजी की जगह फ्रेंच बोल रहे होते। तो ये एक ऐतिहासिक घटना की एक मोड़ था, एक पड़ाव था 1750 के आसपास। दूसरा 100 साल आगे चले जाइए, सलांग लगाइए, 100 साल क्या था, जवाब मिल जाएगा 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। सर इसमें भी त्रुटि नहीं है, प्रथम था, हजार साल की गुलामी थी सर, तो प्रथम कैसे हो सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम था, है ना। तो हम तो कब से लड़ रहे थे, हम तो सिकंदर के समय से लड़ रहे थे, वो तो शायद और 2-2.5 हजार साल चला जाता, सिकंदर को छोड़ दें तो भी दूसरे आक्रांताओं के बारे में विषय विचार करें। और फिर ये सर ने गलत नहीं बोला है, हमारी जो जनरेशन है उसको यही बताया था, यही कल यूपीएससी में आप जो सर बोल रहे नहीं लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे शायद, विद्रोह भी बताने लगे उसको, ड्यूटी नहीं थी, भारत के इतिहास का भी बताते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा 100 साल आगे चले जाएंगे 1947 पॉलिटिकली हम लोग आजाद हो गए, कल्चरली नहीं हुए लेकिन हो गए। अब क्या आ रहा है 2050 या 2047, यहां पर भारत की चेतना अपने चरम पे रहेगी। अभी दिख रहा है आपको, अभी आपको उसका वो दिखना चालू हो गया होगा उदय, ठीक है। अब इसमें आपका क्या योगदान होने वाला है ये आपको सोचना है, नहीं ठीक। ये एक और सवाल पूछता हूं, ये जो क्षेत्र है जहां पर दुबई है, इराक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल ईस्ट है ना, और ये जो अपने पास में है मलेशिया वगैरह इसको क्या बोलते हैं, इसको फार ईस्ट बोला जाता है, फार ईस्ट। हमारे हमारे वेस्ट में क्या है, कौन सा देश है हमारे वेस्ट में, भारत के पाकिस्तान है ना, उसके आगे ईरान आया, तो वो हमारे वेस्ट में है ना, ईस्ट क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ब्रिटिश ने उसको मिडिल ईस्ट क्यों बोलते हैं, वो तो मिडिल वेस्ट है हमारे लिए, बताइए सोचिए, क्योंकि अंग्रेजों के वो ईस्ट में है इसलिए मिडिल ईस्ट है। साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया, अरे भाई हमारे पड़ोसी हैं मलेशिया, आप उसको फार ईस्ट बोल रहे हैं, हमारे विद्वान भी उसको फार ईस्ट बोल रहे, विचार कीजिए नहीं, तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारे बैठे बैठे हो रहा है, बहुत बड़े बड़े विद्वान, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सुना तुमने जी, इधर जो बच्चे बैठे बहने बैठी सुनते हैं ना, प्रगतिशील राष्ट्र है, और डेवलप्ड कंट्री कौन से हैं, इंग्लैंड है उसमें, जर्मनी है, अमेरिका, अमेरिका और हाँ चलिए रूस को ही मान लीजिए, वो नहीं मानेंगे जो डेवलप्ड है अपने आप को बोलते हैं, उसको नहीं मानेंगे। जब रामायण और महाभारत लिखे जा रहे थे उस समय पर ये लोग पेड़ों पे चढ़ के अपने आप को बचाते थे, बोल नहीं पाते थे आपस में, वो आज बोल रहे हैं कि ये डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है। सब क्यों बता रहा हूं,
नहीं सोचना पड़ेगा ना, वही जो पीरियड मैंने आपको 1750 का बोला, उस समय पे द ट्रेड शेयर, द ग्लोबल ट्रेड शेयर ऑफ इंडिया वॉज 24%, इंग्लैंड का था लगभग 2%। ठीक है, आजादी के बाद 1947 में उल्टा हो गया, वो इंडिया का 2% रह गया। और ये सब मैंने 4th century AD का बताया, चाणक्य का बताया, ये सब बताया। तो ये टर्मिनोलॉजी हम बदल सकते हैं क्या? क्या इंडिया डेवलपिंग है क्या? डेवलपिंग सर में दिक्कत पता है क्या, कि हमने जीरो से स्टार्ट किया भाई, हम तो पहुंच गए, हम तो रेस जीत गए, हम डेवलप हो गए, तो वी आर डेवलप। यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्राइंग टू बिकम लंडन, यू आर ट्राइंग टू बिकम यूएस, यू ट्राइंग टू बिकम समबडी एल्स, वन ऑफ अस, जर्मनी। तो और ये दूर से बैठ के ताली बजा रहे हैं, शाबाश गुड इंडिया, शाबाश तुम्हारी रैंकिंग यूएन में, यूएन की जो रेटिंग है डेवलपमेंट इंडेक्स उसमें ये है, तुम्हारी वो है अभी मध्य प्रदेश के नीचे कर दी थी। तो ये सब पैरामीटर किसने डिसाइड किए होगा? अभी बोले कि भारत का जीडीपी फ्रांस से ज्यादा हो गया, तो जीडीपी कौन तय करता है? इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज अ रिसर्जेंट नेशन जिसका पुनरुदय हो रहा है। भारत वो समाज है, वो सिविलाइजेशन है। तो ये बात कौन रखेगा? ये अमिताभ सुनी रख लेगा, आचार्यगण रख लेंगे? नहीं, असंभव है, हम अकेले करते रहेंगे, आपको करना है ना। और मैंने खड़े खड़े आप बोल दिया रिसर्जेंट, तो कल से आप रिसर्जेंट रिसर्जेंट बोलने लगेंगे? कल आइए मेरे पास, बोलिए कि आपने जो रिसर्जेंट शब्द रखा है ये उसमें भी ये गड़बड़ है, इससे अच्छा ये हो सकता है, मैंने सोचा बैठ के, हो सकता है कि नहीं, कि वही करना है जो मैंने बोल दिया, या किसी और पूरा आदमी मेरे साथ आ जाता तो आप खैर उसको और ध्यान से सुन लेते। ये हमारी बीमारियां हैं, नहीं तो सोचिए। और इस पे आइए, ये जो इसका बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं हम, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा सोच है, ये सोच दूरगामी है, ये 11-12 अगस्त को खत्म नहीं हो जाएगा, इसकी शुरुआत 11-12 अगस्त को होगी। ये एक महान राष्ट्र है, इसमें आसानी से पैदाइश जन्म नहीं मिलता, नहीं बोल रहा हूं स्वामी विवेकानंद बोलते रहे, अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। प्लीज डू नॉट लिव इन दिस कंट्री टू ईट ब्रीड एंड डाई, बहुत दूसरे बहुत सारे देश है जहां पे मनुष्य पैदा ही शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और उनको खुश रखने के लिए होता है, भारत इसके लिए नहीं। मैंने बोला था कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, लेकिन लगभग कुछ भाषण जैसे ही हो गया है। तो पीछे से भी कुछ लोग पूछ सकते हैं, पीछे बैठने का किसी ने कभी सोचा है? अभी सब सोचने की बात हो रही है इसलिए मैं भाषा वैसे ही प्रयोग कर रहा हूं। पीछे बैठने का फायदा क्या होता है, किस प्रकार के लोग पीछे बैठते हैं? हाँ, जो से पूछेगा थोड़ा सुन ले लो। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इस समय में हमें ये सोचने की नौबत क्यों आ गई? जब हम इतना समृद्ध थे पहले से, तो हमें इतना सोचने पर मजबूर क्यों होना पड़ा कि हमें सोचना पड़ता? लेकिन का सवाल बहुत अच्छा है, पढ़ लिए कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे क्यों कि हमको इतना सोचना पड़ रहा है? भाई हमारे पास इतनी बुद्धि थी, सब कुछ था, तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? आज दुनिया के लोग हमको ज्ञान देते हैं, मोदी सरकार को गाली सुनने को मिलती है, या कोई भी सरकार हो, लेकिन ब्रिटिश लोग कभी नहीं चाहते कि भारत देश जो है वो समृद्ध हो, रशिया नहीं चाहता, चाइना नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता इसको समझिए, ये सच्चाई है जीवन की, ये इंटरनेशनल रिलेशन की सच्चाई है, वो नहीं चाहते। तो वो कल को कोई लालू प्रसाद की सरकार भी आ गई या मुलायम सरकार भी आ गई और अच्छी रही, तगड़ी रही, तो उसको भी गाली देंगे, वो बताएंगे आपको कि आप में ये कमी है, वो कमी है, और आपके इधर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये लोग, इनको पता नहीं है कि किसको उपदेश दे रहे हैं, कौन सी जनसंख्या, कौन से समाज, कौन सी सिविलाइजेशन, विच सिविलाइजेशन आर दे लेक्चरिंग सर्मनाइजिंग। ये वो सभ्यता है जहां पर सम्राट अशोक ने अपनी पूरी सेना को भिक्षु बना दिया,
इससे बड़ा कोई उदाहरण बताइएगा दुनिया में? पूरी की पूरी सेना उन्होंने बोला कि जाओ, अपने बच्चों को भी भेज दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं भेजा था, शांति के प्रचार के लिए भेजा था। अरे सेनाओं की क्या जरूरत है? ऑल दीज बाउंड्रीज, दीज फिजिकल बाउंड्रीज, वी हैव ड्रॉन देम, दे आर इमेजिनरी बाउंड्रीज, दे शुड नॉट एग्जिस्ट। दो देशों के बीच में क्यों नहीं चाहिए रेखा? भाई आओ जाओ, सुख ने वैसा कर दिया। और सम्राट ने किया था, ऐसा नहीं कि किसी संत महात्मा ने किया था, सम्राट था वो, उसने कर दिया। और अब याद कीजिए कि अशोक के समय से लेकर आज तक हम कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कश्मीर में भी लड़ रहे हैं हम, पूर्वांचल में भी लड़ रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं। ये जो शांति का आइडिया है, इसके लिए हम तैयार थे हमेशा से, आज भी तैयार है कि जो बाकी दुनिया है, जो एक प्रोफेट, एक मत, एक ही रास्ते के लिए आपको और पूरी दुनिया को तैयार करना चाहती है, वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में या लाग लपेट से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हमको अब दिखने लगा है कि भाई हम तो खुले हाथ से सबको मानने को तैयार है, हम आपके ईश्वर को भी मानने के लिए तैयार है, इसमें कहां झगड़ा है? हमारा भारत कहां झगड़ा है? आप बोलिए ना, आप 25 और ले आइए। वो हाथी वाली कहानी सबने सुनी है ना, कि वो अंधे हाथी को अलग अलग जगह से देखते हैं, कोई पूंछ पकड़ता है तो बोले कि हाथी जो है रस्सी जैसा है, किसी ने पांव को पकड़ा तो बोले कि वो पेड़ के तने जैसा है। तो वैसे ही तो ईश्वर है, जिसने जहां खड़े होके जैसा ईश्वर को देखा, ये तो भारतीय विचार यही तो है। अब हमको क्यों क्या सिखाओ? अब हमको समझ में आया है कि ये नहीं समझने वाले हैं। सो वी हैव टू थिंक, आर्टिकल एंड पैकेज। क्षमा कीजिए, संस्कृत महाविद्यालय में हूं, पैकेजिंग की बात कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चलती है। हमको तो उसको विचार को पैकेज भी करना पड़ेगा, को बताना पड़ेगा। इसमें राजीव मल्होत्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, यदि आप पुस्तक पढ़ पाए उनकी, बीइंग डिफरेंट, वो पढ़िएगा। राजीव हाँ, बाटा भी होगा, आए थे क्या यहाँ? नहीं, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में इसमें आए थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौलिक शोध है वो, बहुत मेहनत की है। सेंट स्टीफन्स दिल्ली से पढ़े हुए हैं। तो ये बैटल फॉर संस्कृत, हाँ उनकी किताब है बैटल फॉर संस्कृत, आप सबको पढ़ना चाहिए। और मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आप मुझे बताइएगा और इसके विषय में। जी, अपने समय है, अपने पास। जी सर,